HBN न्यूज, जो सच वही खबर। चंदन क्यारी विधानसभा का समग्र विकास के लिए समर्पित है यह परिवर्तन पदयात्रा। उमाकांत रजक। चंदन क्यारी विधानसभा का समग्र विकास के लिए, चंदन क्यारी की समृद्धि के लिए, लोगों की उन्नति एवं प्रगति के लिए, सामाजिक न्याय एवं कल्याण के लिए, एक समतामूलक समाज का निर्माण के साथ साथ क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर आजसू पार्टी की ओर से चंदन क्यारी परिवर्तन पदयात्रा की शुरुआत पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने चास के पत्थरकट्टा साइट स्थित माँ दुर्गा मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर किया। रजक ने चंदन क्यारी वासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस क्रम में रामडी मोड़ में स्थापित झारखंड आंदोलन के क्रांति दूत स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हजारों की संख्या में जनसैलाब आगे बढ़ा। पदयात्रा के दौरान ग्रामवासियों के द्वारा जगह जगह पर पूर्व मंत्री उमाकांत रजक का जोरदार स्वागत किया गया। महिला पुरुष व ग्रामीणों ने रजक के समक्ष विभिन्न जगहों पर गाँव में व्याप्त समस्याओं को रखते हुए चंदन क्यारी को सजाने संवारने के लिए सहयोग देने की बात कही। रजक ने कहा कि चंदन क्यारी विधानसभा में व्याप्त घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अराजकता, सामाजिक को समाप्त करते हुए सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए, एक समतामूलक समाज का निर्माण के लिए यह परिवर्तन पदयात्रा है। यह पदयात्रा लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। रजक ने कहा कि चंदन क्यारी विधानसभा में आज भी नागरिक सुविधा नदारद है। बिजली और पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। सिंचाई पानी के अभाव में खेती में किसानों का मोह भंग होने लगा है। रोजगार समाप्त होने के कगार पर है। युवा हताश और निराश हैं। बोकारो से ब्यूरो दिनेश कुमार पांडे की रिपोर्ट।